मझोला पुलिस ने मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दिन पर दिन मोबाइल चोरी की घटना बढ़ती जा रही थी, तभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार मोबाइल लुटेरों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें आज मझोला पुलिस को बड़ी सफलता लग गई है। पुलिस ने आज दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, तो वही चोरों के भी हौसले बुलंद नजर आ रहे थे, किंतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार इन मोबाइल चोरों के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, जिसमें दो लुटेरों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 9 मोबाइल जिसमें MI, सैमसंग, वीवो, ओप्पो के साथ 3 चाकू और 1 तमंचा बरामद किया गया है। 18 से 20 वर्ष की आयु के ये 4 अपराधियों को अरेस्ट किया है। यह ट्रक ड्राइवरों और सड़क चलते हुए व्यक्तियों के हाथों से मोबाइल छीन लेते थे। पूर्व में भी विभिन्न धाराओं में इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। मझोला पुलिस का यह सराहनीय कार्य, चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। बहुत सराहनीय कार्य किया गया है, लगातार अपराधियों के पीछे कार्य करते हुए इसमें आज मोबाइल लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 3 अलग अलग केसेस में कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिसमें 1 ओप्पो का, 1 सैमसंग का, 4 MI और 3 वीवो के फ़ोन इन सबसे मिले हैं। साथ ही इनके पास 3 चाकू और 1 तमंचा भी बरामद किया गया है। इनकी घटना करने की कार्यशैली इस प्रकार थी कि 2 गैंग तो अपने जो मोटर बाइक पर चलते हुए जो भी इनको दिखता था मोबाइल यूज़ करते उनसे छीन के लूट के भाग जाना, और इसमें एक व्यक्ति है जो थाना कड़गर का है। ये जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जो अपने ट्रक में जब सो जाते हैं दिन के समय, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग के समय, वो सोते हुए ड्राइवर्स के ट्रक से मोबाइल लेके चुरा के भाग जाते थे। इसके पास से कुल 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं इस अकेले व्यक्ति के पास से। ये सारे ही नए उम्र के लड़के हैं, 18 से 20 साल के बीच के इनकी उम्र है, और पढ़ाई लिखाई भी इनकी कुछ खास नहीं है, 8वीं से 10वीं पास ये लोग हैं। और साथ में इनसे जो पूछताछ की गई है तो ये भी पता चलता है कि नशे के आदि थे, अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए इस तरह की ये घटना कारित करते हैं। सर, पहले इनके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और इनके बारे में और भी तथ्य जुटाए जा रहे हैं कि इनके गिरोह में और कितने अन्य लोग थे, उनकी भी गिरफ्तारी पूर्ण जल्दी सुनिश्चित की जाए। ये जो घटना खुली है ये मझोला थाने में है। इसमें एक लड़का जो दीपांशु है ये कटघर थाने का रहने वाला है, और एक लड़का मन्नू ठाकुर और प्रदीप सागर ये मझोला और सिविल लाइन थाने के हैं, और एक अभिषेक है ये भी मझोला थाने का निवासी है।